हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैसे को किस रेशों में बांटा जाए। ठीक है, पैसा बांटने का तरीका बताएंगे कि पैसा किस रेशों में बटेगा। देखो क्या होगा, दो आदमी है, एक एक आदमी 15 दिन में काम खत्म करता है, दूसरा 10 दिन में। दोनों को 75,000 रुपए मिलने हैं, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा? भाई सीधी सी बात ये होती है इस केस में, जो जितना काम करेगा ना उसको उतना ही पैसा मिलेगा। जिसका काम ज्यादा उसके पैसे ज्यादा, जिसका काम कम उसके पैसे कम। तो आप पहले काम की रेशियो निकालो कि इन्होंने कितने दिन तक काम करा, ए और बी ने। मैं टाइम की रेशियो निकालता हूं कि ए ने 15 दिन काम करा, बी ने 10 दिन करा। इसकी रेशियो 3:2 है। अगर टाइम की रेशियो 3:2 आ गई तो वर्क की रेशियो रिवर्स हो जाएगी 2:3, है ना। टाइम की रेशियो का उल्टा कर देते हैं तो वर्क की रेशियो आ जाती है, तो वर्क की रेशियो क्या आ गई 2:3। अब इस रेशियो में पैसे को बांटना है, तो पैसे 75,000 है। रेशियो में अगर हम देखें टोटल कितने बन रहे हैं, 2 और 3 5 होने चाहिए 75,000। 5 को 75,000 बनाना है तो 15,000 गुना, तो बी का हिस्सा भी 15,000 गुना करो तो 15 * 3 = 45,000, यानी बी 45,000 रुपए लेके जाएगा। समझ में आ गई बात? टाइम की रेशियो दे रखी है, उल्टा करोगे वर्क की रेशियो, उसी रेशियो में पैसे को बांट दो, है ना। क्यों पैसा पैसा करती है। लो एक प्रश्न और देखिए, फिर बांटिए इसमें पैसे को। पीयूष और अरुण, पीयूष में और अरुण ये तो दे रखा है हमें 2 पे और टाइम की रेशियो। वर्क रेशियो क्या हो जाएगी, जाएगी 7:4। इस रेशियो में हमने पैसे को बांटना है। अब क्या रहेगी, पीयूष का हिस्सा पहले वाले का बताओ। अगर टोटल 44,000 है, यहां टोटल 7 और 4 11 होना चाहिए 44,000, तो 11 * 4 = 44, यानी 4,000 गुना। तो 7 को भी 4,000 गुना करो, 28,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो काम खत्म पैसा हजम।